सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। गढ़वा पुलिस ने विगत 22 जून को सूखा बांध में घटी विमल सिंह और मुन्ना सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त श्याम राज शर्मा और पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए गढ़वा के एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने कहा कि 22 जून को गढ़वा शहर के सुखबंधा में जमीनी विवाद में विमल सिंह और मुन्ना सिंह को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक गढ़वा द्वारा एसआईटी का गठन करते हुए इस हत्याकांड का उद्भेदन एवं गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया गया था। इसके आलोक में पुलिस ने कल शाम को गढ़वा शहर के मदरसा रोड निवासी श्याम राज शर्मा और पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पंकज शर्मा ने इस हत्याकांड में अपनी अंतर्लिप्तता स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार श्याम राज के पास से पुलिस ने दो मोबाइल भी बरामद किया है। एसडीपीओ ने कहा कि शेष अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। शर्मा कुख्यात अपराधकर्मी है, ये गैंगस्टर, ये करीब इसके खिलाफ यहाँ इस थाने में 12-14 मामला है, जिसमें 4 हत्याएं हैं, बैंक डकैती का मामला है और भी बहुत सारे लूट हत्या का मामला इसके लिए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इसकी गिरफ्तारी ये सोनपुरवा में हुई है, जबकि अपने सहयोगियों के हत्याकांड के बाद अपने सहयोगियों के साथ सभी सहयोगी इनके मोबाइल बंद कर दिए, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो ये फिर से कोई गढ़वा आया अपने संगठन सहयोगियों से मिले, इसी में सभी गिरफ्तार किया गया। बीते 22 जून को सुखमना में हत्या की घटना हुई थी, जिसमें विमल सिंह को अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे आक्रोशित ग्रामीण प्रतिक्रिया स्वरूप अपराधकर्मियों में से दो अपराधकर्मियों को पकड़कर मारपीट की गई थी, जिससे दो अपराधकर्मियों की भी मृत्यु हो गई थी। इस घटना में अपराधकर्मी कुख्यात अपराधकर्मी श्यामराज शर्मा की संलिप्तता आई थी, जिसे गठित टीम जो इस घटना की जांच कर रही थी उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। श्यामराज शर्मा अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है, जो इस घटना को अंजाम देने के पीछे मुख्य कारण जमीन विवाद है, जिसके तहत ये अपने आपराधिक सहयोगियों के सहयोग से इस घटना को अंजाम दिया।